नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि स्क्रीन पर जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क से बड़कागांव विधानसभा के विधायक भी अपने आवास जाती हैं। उनका आवास इस सड़क से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आसपास कॉलोनी के निवासियों को वर्षा के समय इस सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि लोग पैदल चलने वाले भी अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल में पीछे बैठने वाले कब और कहां गिर जाएंगे यह कोई नहीं बता सकता है। सड़क में गड्ढे बेतरतीब हो गए हैं। यह सड़क पतरातू पीटीपीएस कॉलेज से लेकर मस्जिद कॉलोनी तक के निवासियों का आना जाना लगा रहता है। आखिर सड़क की ऐसी बुरा हाल होने से पहले विभाग इनका मरम्मत क्यों नहीं कराता है? जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यदि आपने अभी तक रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव या विचार देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहले एक लेडी यहाँ पे दूध लेने लेके उधर से आ रही थी तो वो पिछल के गिर गई थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर देख ही रहे आप कितना जर्जर रोड यहाँ पे, और बरसात की वजह से पूरा पिछल मतलब कि स्लिपरी हो गया एकदम पूरा, जिससे किसी का भी किसी को भी चोट आ सकता है और आवागमन में भी बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। किस प्रखंड के मामला है ये? पतरातू प्रखंड में। किस पंचायत? ये कोतो पंचायत में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम कुमार है। स्थिति यही है कि वहाँ से ऊपर से साफ नहीं होता, सब भरा हुआ है। ये बेतरनी नदी तरी पड़ा हुआ, पूजा पाठ करने आदमी जाता है, नहा कर धोआ कर अब बोल किसको पार करना पड़ता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है।